नासिर भाई, आज का जो मुद्दा है वो बड़ा अहम है। वो एक नौजवान ज़िंदगी के साथ जुड़ा है। मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसका नाम मोहम्मद शईब है, सन ऑफ मोहम्मद हनी भट्ट है, जो कि शरीकी के रहने वाले हैं और जो इस वक्त स्किम्स के अंदर कैंसर का जो यूनिट है वहाँ पर एडमिट है और वहाँ पर अपने इलाज व मुआलजा के लिए अरसा दराज से वहाँ पर है। तो आज हमने मुनासिब समझा, कई दिनों से उनको लेकर एक मुहिम चली जा रही थी, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा कि हर कोई उनकी इमदाद के लिए जो है आगे आ रहा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों विदिन डेज जो है तकरीबन जो है 5 लाख रुपया जो है उनके इलाज मुआलजे के लिए जमा हुआ है। और आज फिर से जो है ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि वहाँ से उनने खुद एक बयान, एक रिक्वेस्ट जो है वहाँ से कही है, थ्रू सोशल मीडिया उनने की है। उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन जो है जो हमें मौसूल हुआ, जो है मालूम हुआ, कोई 20 लाख के करीब जो है उनको अपने इलाज मुआलजे के लिए खर्चा आ रहा है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के थ्रू जो है तमाम भद्रवाह की आवाम, डिस्ट्रिक्ट डोडा, इवन मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को जो जहाँ सुन रहा है बग़ैर किसी मजहब व मिल्लत के, उसकी मदद के लिए आएँ, उसको डोनेट करें। तो मैं आपके साथ जो है उसकी पर्सनल अकाउंट डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको भी चलाइएगा। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त वो जो शख्स है शईब जो है वो वहां पर बहुत जो है एक बीमारी से दो चार, एक कैंसर की बीमारी से दो चार है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि उसके 3 बच्चे हैं और 2 मासूम बच्चियाँ हैं जो इस वक्त घर पर हैं, और बेटा जो है वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। तो समझने की बात है कि वो नहायत ही गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक़ है। और मैं आपसे फिर आपके इसके चैनल के थ्रू मैं फिर से लोगों से, तमाम लोगों से अपील करूंगा कि इसमें बढ़ चढ़ के आगे आएं और उसकी मदद के लिए जितना हो सके, मैं फिर से कहूंगा अक्रॉस द कम्युनिटी लोग सामने आएं और उसकी मदद के लिए जो है जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करें। रमज़ान का महीना है, रोज़ों का महीना है, तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये सबसे अहम जो है हम पे ज़िम्मेदारी आयद है कि हम जितना उसकी इमदाद कर सकें वो करें। मैं फिर से आपके देखने वालों को, शायकीन को बताता चलूँ कि उसके जो अकाउंट डिटेल जो उसके पर्सनल उनके अपने नाम पर है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें जितनी हो सके उसकी इमदाद करें। मैं बताता चलूँ कि वो अपने वालदेन का, अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा है जो सारा कुछ अपने वालदेन की वेयर एंड टेयर से लेके, उनके इलाज से लेके, उनकी खिदमात से लेके जो है वो सब कुछ खुद ही करता था। तो मैं फिर से आपके चैनल के थ्रू ये अपील करता हूँ कि उसकी जितनी हो सके उसकी इमदाद की जाए।